ताजा मामला खनियादाना के गांधी चौक पर स्थित जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक का है, जहां पर बैंक के ग्राहकों को बैंक कर्मी उनका खुद का रुपया भी नहीं दे रहे। ऐसे में बैंक ग्राहकों का अपना रुपया लेना दुश्वार हो रहा है। यहां पर सहकारी बैंक के ग्राहक अब महीनों से बैंक के चक्कर लगा रहे हैं और बैंक कर्मी रुपया न कहकर ग्राहकों को चलता कर देते हैं। ऐसे में कई ग्राहक ऐसे हैं जो लंबी बीमारी से ग्रसित है और उनके रुपए जिला सहकारी बैंक में जमा है, फिर भी उनको अपने पैसे को लेने के लिए लगातार एक महीने से चक्कर लगवाए जा रहे हैं। शासकीय योजनाओं का मिलने वाला पैसा भी प्राप्त करने में बैंक के उपभोक्ताओं को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। बैंक की स्थिति इतनी दयनीय है कि उपभोक्ताओं को बैठने तक की जगह बैंक में उपलब्ध नहीं है। बैंक के बाहर पार्किंग व्यवस्था न होने की वजह से बीच सड़क पर सैकड़ों वाहन खड़े रहते हैं, जिससे कि नगर की मुख्य सड़क पर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। बैंक प्रबंधन को जब इस सारी समस्याओं के बारे में सवाल किए गए तो बैंक मैनेजर कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उपभोक्ताओं की परेशानियों के बारे में जब बैंक मैनेजर को अवगत कराया गया तो उनका कहना था कि पैसे की उपलब्धता ना होने की वजह से और सर्वर के डाउन होने की वजह से हम उपभोक्ताओं का उनका पैसा नहीं दे पा रहे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर मजबूर बैंक उपभोक्ता आखिर कब तक अपने ही पैसे निकालने के लिए बैंक के चक्कर काटता रहेगा और आखिर कब इन समस्याओं का हल निकाला जाएगा, क्योंकि कोई भी बैंक प्रबंधन का उच्च अधिकारी संतोषजनक कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। रंजीत भैया, कौन से बैंक पे खड़े हैं अभी आप? यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है और लोगों का कहना ये है कि उन्हें पैसा नहीं मिल पा रहा, क्या समस्या है? आपको कुछ जानकारी ली है? खाते में पैसे हैं मगर किसानों के, मतलब ये किताब बांट देते हैं, किताब बांटने के बाद इसमें क्या कि पैसा नहीं आता, बोले हमारे पैसा नहीं आ, ऊपर से पैसा नहीं आ रहा तो पैसा नहीं मिल रहा। नहीं तो ये ऊपर से पैसा नहीं आ रहा, ये उनकी समस्या है, ग्राहकों की समस्या थोड़ी है। ग्राहक मतलब हाँ आती हैं, दिन भर बैठ के चले जाते हैं, कोई सुनता ही नहीं, कोई बैठो पैसे बांट रहे हैं लेकिन फिर बोले एंड टाइम पर कह देते हैं, बोले आए नहीं है पैसे। आप भी पैसे निकाल ले आए हो? हाँ, मैं भी पैसे निकाल लिया, पिताजी के पैसे निकाल लिया खाते में, तो पिताजी को 4-5 बार बुला दिया लेकिन कोई पैसे नहीं। अम्मा कौन से गांव से आई हो तुम? कौन से गांव से आई हो? शिवनगर से आई हो? कब से आ रही हो बैंक में? हमें महीना 2 महीना होगा दोबारा। पैसा एक भी बार नहीं मिला? क्या कह रहे हैं बैंक के लोग? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं बैंक के लोग? आए नहीं, आए नहीं, पैसे नहीं आए खाते में। अम्मा कितने दिन से चक्कर लगा रही हो बैंक के? 1 महीना। पैसे नहीं मिले? नहीं मिले पैसा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे अधिकारी? क्या कह रहे हैं? दे ही नहीं रहे हमें, भगा रहे। 1 महीने से लगातार भगा रहे हैं? हाँ। एक भी बार पैसा नहीं दिया? नहीं एक भी बार नहीं दिया। आपके खाते में पैसे हैं? हैंगे 70,000। 70,000 है? कितने निकालने आई हो? मैं 2,000 का। आपका? जितेंद्र लोधी। जितेंद्र भैया क्या समस्या आ रही है? सर बैंक में पैसा नहीं मिल रहा और पिताजी की तबीयत खराब है, लखवा भी मार गया, दवाई के लिए पैसा लेना है और इस बैंक से सर पैसा नहीं निकल रहा, अकाउंट में डला है टोटल। अकाउंट में पैसा है लेकिन पैसा दे नहीं रही है बैंक? बैंक नहीं दे रही। कौन सा बैंक है? जिला सहकारी। जिला सहकारी बैंक है। आप कितने दिन से चक्कर लगा रहे हैं? सर मैं 1 महीने से आ रहा, बराबर पेट्रोल जला रहा और कम से कम यहाँ से 20 किलोमीटर जाता हूँ, 20 किलोमीटर आता हूँ सर। 1 महीने से लगातार चक्कर लगा रहे हैं लेकिन पैसा नहीं मिल पा रहा है। ऐसी अकेले आपकी समस्या है और भी कष्ट? नहीं सर, सब लोग, बहुत सारे लोग खड़े हैं सर, सबकी समस्या है। सर बैंक के बहुत सारे कस्टमर परेशान फिर रहे हैं बाहर, उनका कहना ये है कि वो करीब 1-1 महीने से चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें पैसे नहीं मिल पा रहे, तो क्या समस्या आ रही है और क्यों उनको पैसा उनका जो खाते में डला हुआ वो नहीं दे पा रहे हैं आप? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी एक तो रिकवरी होनी फेल है यहाँ की, जो कि हमारे किसानों को हमने कर्जा दे रखा है वो जमा नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनकी फसल भी नहीं आई है और वो लोग ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि फसल पे ही दे पाते हैं, तो ओवरड्यू जितने भी हैं उनके ऊपर एक्शन तो लिए जा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद जमा नहीं हो पा रहे हैं। एक तो फंड के इसकी वजह से उपलब्धता कम हो रही है और ऊपर भी इतना फंड नहीं है कि जिसकी वजह से रिलीज हो और ज़्यादा से ज़्यादा रकम इन लोगों को दिया जा सके, और इसी वजह से इन लोगों के साथ समस्याएं ये है कि गिनतियां इनकी भी ज़्यादा बढ़ गई हैं, इन्हें भी शायद कोई और डाउट हो या जो भी हो नोबडी कैन से, बट उनके ऊपर ये है कि कहते हैं उन्हें भी डेली फंड के लिए आ जाते हैं और उसकी वजह से थोड़ी सी क्राइसिस होती है। सर ऐसे कई ग्राहक हैं जो बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं,
तो कम से कम उनको तो थोड़ा बहुत पैसे की व्यवस्था की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है और की जा रही है, लेकिन एक चीज़ जैसे आवाज की आप जैसे आए हैं तो आज की देख लीजिए सारे सिस्टम बंद पड़े हुए हैं, विदाउट सिस्टम नोबडी कैन विड्रॉल देयर। अब ऐसी कंडीशन में आप ही बताइए कि मैं सिस्टम चालू पहले कर लूँ फिर उसके बाद उनको कोई चीज़ करूँ, भाई पैसे पॉकेट में हो और नहीं दे पा रहे हैं वो तकलीफ होती है, अगर सिस्टम में पैसे आ जाएँ तो अपन देने में तैयार है। नहीं आपका कहना सही है सर, लेकिन थोड़ा बहुत कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ऐसे कस्टमरों के साथ जो सच में जिनको। सर आपने जो बात कही वो बहुत अच्छी बात कही, मेरे को एक चीज़ का ताज्जुब है कि जैसे मेरे पास से मान लीजिए 2500 रुपए ही इस समय कैश बैलेंस में, तो अपन बिना आईडी के बिना ओपन करे हुए हम किसी को दे भी नहीं पाएंगे कि वो भी 2500 हम किसी को दे पाएँ। अब हम फंड की व्यवस्था मान लीजिए कर भी लिए, हमारा पूरा सिस्टम इस समय डिस्ट्रॉय पड़ा हुआ है, हम उसकी सुधरवाने के लिए इंजीनियर को बुलवाएं, दूसरे ऑपरेटर को बुलवाएं, वो तैयारी हो जाए तो फिर आगे की हम रूपरेखा बनाएं। अब देखिए एक और बात है कि अगर हम शाम हो गई और हमारे लेन या ये सिस्टम नहीं चालू हो पाए तो हम उनको वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हम कल उनको पेमेंट देंगे और सवेरे से देंगे, खाली हमारा सिस्टम आज की तारीख में ओके हो जाएगा। खनियादाना से मुकेश प्रजापति की ये रिपोर्ट।